तकरीबन 22 जनवरी को राम आएंगे तो मंदिर की साफ सफाई करनी है हमें। आज हम महादेव मंदिर की साफ सफाई करने वाले हैं। 22 जनवरी में जल चढ़ा ली थी महादेव और तीर्थ स्थानों के मंदिरों की साफ सफाई करें। तो आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में अच्छी बात है, स्वच्छता अभियान चलाए, अपना श्रमदान करें। तो राम के आने से पहले पूरा मंदिर साफ सफाई कर लेंगे। जोर से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो ये बैठे में महादेव को स्नान करवाऊंगी। महादेव की पिंड बोलते हैं हम, आप क्या बोलते हैं? तो ये साफ सफाई कर लूंगी, मराठी में पिंड बोलते। और ये देखो, ये पूरा महादेव की, तो अब ये झाड़ू लगाने वाली हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। ये सब मंदिर की झाड़ू लगाकर मैंने आह्वान किया था, 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की कचरा सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, आज मैंने पिता सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाए, अपना साफ सफाई कर रही हूँ। मंदिर क्लीन होने के बाद पूजा करूंगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो बाहर का वीडियो स्किप हो गया, तो इसलिए मैं बाहर की सफाई का वीडियो नहीं डाल पाई। और ये अब ये भस्म लगा देती हूँ महादेव जी को। महादेव का श्रृंगार में थोड़ा सा करने वाली हूँ, ज्यादा नहीं करने वाली। रुद्राक्ष की माला पहना दी। अब ये पुष्प अब फूलों से सजाने वाली हूँ मैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आह्वान किया है कि 22 जनवरी तक सभी मंदिरों की साफ सफाई होने चाहिए। तो ये मैं साफ सफाई कर रही हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब महादेव जी को मैं हार पहनाने वाली हूँ। ये पहना दिया और एक हार था वो भी पहनाने वाली हूँ, ये झंडू के फूल का। तो आरती होने, आरती का वीडियो स्किप हो गया। तो
ये हो गई पूरी महादेव जी की पूजा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हर हर महादेव जय श्री राम बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक कलश में पानी डालने वाली हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा पड़ गया था तो वो भी उठा लेती हूँ इधर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।